देश में आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं। इस सिलसिले में वे आज स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने वाले हैं। इस मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास का जायजा लिया और प्रतिभाशाली युवाओं से बातचीत भी की। उन्होंने इस सिलसिले में प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। पीएम आज 9 परियोजनाओं का भी शुभारंभ कर रहे हैं। आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, उनमें महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वरी इंडिया, इसके अलावा ओडिशा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। देश के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि 1998 में आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था और बड़ी तकनीकी कामयाबी देश ने हासिल की थी। इसी की याद में हर साल आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 और त्रिशूल मिसाइल का भी टेस्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है। लोगों को वोटिंग में सहूलियत हो, इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। मतदान के लिए जगह जगह पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जहां सुबह से ही भारी तादाद में महिलाओं की कतारें देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर इलाकों में निकाय चुनाव हो रहा है, तो साथ ही बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अमेठी में भी मतदान कराया जा रहा है। दूसरे चरण में राज्य के 38 जिलों में 1,92,00,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। दूसरे चरण में मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर और अयोध्या नगर निगमों के महापौर का भी चुनाव होगा। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के साथ ही चारधाम के तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। रास्ते में जगह जगह तीर्थयात्री नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गुजरात से आए तीर्थयात्री गरबा कर रहे हैं, तो दूसरे राज्यों के भी यात्री भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था से जुड़े ट्रैवल एजेंट और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि 15 मई के बाद यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मौसम सामान्य होने लगा है। वहीं तीर्थयात्रियों का कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले यात्रा की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए देश के कोने कोने से अन्य लोगों को भी चार धामों के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। चारों धाम में बेहतर इंतजामों से तीर्थयात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा इस बार 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। उत्तराखंड में इस साल 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सिखों के इस खास तीर्थ के आसपास अभी से जमा बर्फ को हटाकर रास्ते को खोलने के लिए सेना और सेवादारों युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यहां चलने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस वक्त गुरुद्वारा और पास का सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 16 से 18 फीट के बर्फ के आगोश में है। वहीं 4 किलोमीटर के रास्ते पर ग्लेशियर देखे जा सकते हैं। करीब 15,210 फीट की ऊंचाई पर साल के 8 महीने ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। सेना के जवान और सेवादार रात दिन एक कर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है, पल पल बदलता मौसम इस अभियान में आड़े आ रहा है।